जी हाँ दोस्तों, हम विकास कुमार एसएम क्लासेस सादीपुर से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी लोग बोले कि सर पढ़ाते हैं आप लेकिन यूट्यूब पर अपना वीडियो नहीं डालते हैं, इसलिए हमने सोचे कि बोल रहा है स्टूडेंट लोग तो कुछ डाल ही देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 प्राप्त हो। यानी 12 को दो चरण में इस तरह से तोड़ना है कि उनका गुणनफल हमें 32 प्राप्त करना है। तो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 12 माइनस x है, यानी 12 को तो हमने तोड़ दिया कि पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को 12 में से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि उनका गुणनफल हमें 32 प्राप्त होना चाहिए। यानी प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार उनको जो गुणा करेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या को तो हमें 32 प्राप्त करना है। यानी x इंटू 12 माइनस x बराबर 32। 12 में x से गुना करेंगे 12x और माइनस x में x से गुना करेंगे x के स्क्वायर बराबर 32। आप देख रहे हैं कि a साइड बराबर का है जो माइनस में x स्क्वायर है, तो इसको इस तरफ से उस तरफ भेजेंगे क्या चीज में, प्लस में। यानी x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32 बराबर 0। अब 12 को फिर इस तरह से तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ला और घटाला पर हमें 12 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करला पर 32 प्राप्त होना चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, यानी 32 को हमने तोड़ दिया इस तरह से। यानी 2 दुनी 4, 4 दुनी 8 और 2 दुनी 4, ये तीनों को एक साथ किए 8 को और 4 को, यानी 8 में 4 से गुना करते हैं तो अर्चो के 32 प्राप्त हो जाता है। और 8 में माइनस 4 को जोड़ते हैं, माइनस 8 में माइनस 4 को जोड़ते हैं तो हमें माइनस 12 प्राप्त होता है। यानी इसमें से x का कॉमन लेंगे तो 2 को x है तो 1 को x खत्म हो जाएगा, 1 को बचेगा और x x खत्म हो जाएगा, 8 बचेगा। इसमें माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्चो के 32। यानी x माइनस 4 एगो प्राप्त हुआ ए वाला और ए, और एक है ये दोनों के लिए x माइनस 8 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0, यानी x बराबर प्राप्त हो गया 4 और x बराबर प्राप्त हो गया 8। यानी दो संख्या हमने प्राप्त कर लिया, पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 8। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12 और दोनों को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 32।